एकता कपूर के शो नागिन में बड़ा मोड़ आ गया है। ब्रिंदा एक इच्छाधारी नागिन है, ये राज फाइनली खुल ही गया और अब जल्द ही शो में खुद ब्रिंदा को अपनी असलियत का पता चलेगा। लेकिन अब जब ब्रिंदा इच्छाधारी नागिन है तो वहीं ये भी साफ हो चुका है कि नयनतारा मान्यता की बेटी नहीं है। ऐसे में अब क्या होगा आगे, क्या करेगी नयनतारा, ये कुछ सवाल हैं जो पिछले काफी दिनों से फैंस के मन को बेचैन कर रहे हैं। तो लीजिए, आपकी इसी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए आई है ये खबर कि नयनतारा से होगा ब्रिंदा का मुकाबला। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो आगे शो के अपकमिंग एपिसोड में आप ये देखेंगे कि आपस में भिड़ जाएंगी ये दोनों नागिने। तो अब कैसे होगी इन दोनों नागिनों की टक्कर और कौन पड़ेगा किस पर भारी, इसकी डिटेल जानते हैं। दरअसल शो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नयनतारा 25 साल की हो जाती है, लेकिन मान्यता को ये उम्मीद थी कि नयनतारा इच्छाधारी नागिन का अवतार लेगी, मगर ऐसा नहीं होता। ऐसे में मान्यता की नजरों में साफ है कि नयनतारा उसकी बेटी नहीं, और अब जल्द ही मान्यता के सामने ये सच्चाई आने वाली है कि ब्रिंदा उसकी बेटी है। ऐसे में सोर्सेस से जानकारी मिली है कि मान्यता अब आगे नयनतारा से वैसा व्यवहार नहीं करेगी जैसा वो पहले करती थी। बस फिर क्या, इसी बात से नयनतारा हो जाएगी परेशान और शुरू करेगी एक नया खेल। दरअसल मान्यता मानती थी कि नयनतारा उसकी बेटी है और इसीलिए वो अपनी बेटी पर खूब प्यार लुटाती है। उधर नयनतारा को भी अपनी माँ मान्यता से बहुत प्यार है, लेकिन जब ये सच्चाई सामने आएगी कि ब्रिंदा उसकी असली बेटी है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि मान्यता का रुझान नयनतारा से हटकर ब्रिंदा की तरफ हो जाएगा। लेकिन ये बात नयनतारा को पसंद नहीं आएगी। सुनने में आया है कि नयनतारा को ये बात काफी परेशान करेगी और फिर वो ब्रिंदा को अपने रास्ते से हटाने के लिए नई चाल चलेगी। ऐसे में आप देखेंगे कि नयनतारा ब्रिंदा की दुश्मन बन जाएगी और उससे करेगी जबरदस्त मुकाबला। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बात की भनक भी नहीं लगेगी मान्यता को। दरअसल कहा जा रहा है कि शो में नयनतारा ब्रिंदा और मान्यता के सामने तो उनके साथ होने का एहसास कराएगी, लेकिन पीठ के पीछे वो चलेगी गहरी चाल ब्रिंदा को अपने रास्ते से हटाने के लिए। ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे ब्रिंदा और नयनतारा के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिले। उधर सुनने में ये भी आ रहा है कि देव के प्यार में नयनतारा भी पड़ जाएगी और फिर देव के लिए ब्रिंदा से लेगी वो कड़ी टक्कर। और अब क्या होगा शो में आगे, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये ट्विस्ट वाकई शो को काफी इंटरेस्टिंग बनाएगा, और इस ट्विस्ट के हिसाब से हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि ये ट्विस्ट शो को एक अलग ही दिशा देगा।